ओके स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस विच इज ऑल्सो नोन एज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस. कम टू द डेफिनेशन, द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज फॉर्म्ड विद द सब्जेक्ट प्लस द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आईएनजी ऑफ द मेन वर्ब एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ऑफ द वर्ब टू बी एम इज आर. वन सिंपल एग्जाम्पल ऑफ दिस टेंस इज ही इज स्विमिंग. ही इसमें सब्जेक्ट है, इज टू बी यानी टू बी में हम क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होते हैं एम इज आर. स्विमिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, स्विम हमारा मेन वर्ब है और उसके साथ हम आई एन जी लगा देंगे तो स्विमिंग हो जाएगा और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा. उर्दू में इसकी पहचान है कि फिक्रात के आखिर में रहा है, रही है, रहे हों वगैरह आता है. इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए सब्जेक्ट के साथ आप इज आर एम एज अ हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगाएंगे. अफर्मेटिव सेंटेंसेस, एहसान किताब पढ़ रहा है, एहसान इज रीडिंग अ बुक. इसमें एहसान सब्जेक्ट है, इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, रीडिंग आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पढ़ रहा है. आप बुक आ आपका जाहिर है, आपको मालूम अच्छे से कि यह आपका इनडेफिनेट आर्टिकल है और बुक ऑब्जेक्ट है. एहसान इज रीडिंग अ बुक. चिड़ियां चहचहा रही हैं, द स्पैरोज आर चिरपिंग. लड़के शोर कर रहे हैं, द बॉयज आर मेकिंग अ नॉइस. तुम अपना वक्त जाया कर रहे हो, यू आर वेस्टिंग योर टाइम. मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड. सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने इज आर एम लगाना किसके साथ. अगर आपका कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप उसके साथ इज लगाओगे, अगर वो प्लूरल है आपका नाउन कोई सब्जेक्ट तो आप उसके साथ आर लगाओगे. दे और यू के साथ भी आप आर लगाओगे. आई वाहिद है कि जिसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब एम लगाओगे. नेगेटिव सेंटेंसेस, इस टेंस के मनफी फिकरात का तर्जमा करने के लिए इज आर एम के बाद नोट लगा दिया जाता है, यानी इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट. मूसलाधार बारिश नहीं हो रही है, इट इज नॉट रेनिंग हैवीली. मुझे नींद नहीं आ रही है, आई एम नॉट फीलिंग स्लीपी. वो दयानदारी से काम नहीं कर रहा है, ही इज नॉट वर्किंग ऑनेस्टली. तुम जुलूस की क्यादत नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट लीडिंग द प्रोसेशन. वो गलती नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट मेकिंग मिस्टेक. नाउ स्टूडेंट्स, इट्स इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. सवालिया फिकरात का तर्जमा करने के लिए फिकरात के शुरू में इज आर एम लगा दिया जाता है. क्या चांद निकल रहा है, इज द मून अपेयरिंग. दरवाजा कौन खटखटा रहा है, हु इज नॉकिंग एट द डोर. क्या वो अपने गुनाह पर शर्मिंदा नहीं हो रहा है, इज ही रिपेंटिंग अपॉन हिज सिन. क्या तुम्हें सर्दी लग रही है, आर यू फीलिंग कोल्ड. क्या असलम सच बोल रहा है, इज असलम स्पीकिंग द ट्रुथ.